बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ में शासकीय वाहन चालकों की आज बैठक हुई संपन्न। इस बैठक में तितुस मिंच को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनीष सिंह ठाकुर ने अपने लेटर पैड में संघ अधिसूचना के जरिए ये जानकारी दी है कि राजस्व विभाग में चालक के रूप में कार्यरत तितुस मिंच को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और कलेमेट कुमार स्वास्थ्य विभाग बलरामपुर को जिला उपाध्यक्ष, कृष्ण भारती राजस्व विभाग बलरामपुर को कार्यकारी अध्यक्ष, सत्यप्रकाश पैकरा राजस्व विभाग बलरामपुर को सचिव, दिनेश मरकाम राजस्व विभाग बलरामपुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जिसकी सूचना प्रतिलिपि के जरिए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को दी गई है एवं सामान्य प्रशासन विभाग सचिव मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ किया गया है। नहीं करता है तो बकायदा आप डाक विभाग में डाक से रजिस्टर्ड आवेदन आप भेज दीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर में कार्रवाई करना जो है वो अधिकारी की मजबूरी है। मैं इस मन से सारे पूरे प्रदेश के अधिकारियों से और हमारे साथियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप जिस प्रकार से अपने आप को एक ईमानदार कर्मचारी अधिकारी मानते हैं उसी प्रकार से वाहन चालकों की भी इज्जत करना जो है वो आप सोचिए, वाहन चालकों के भी परेशानियों को सोचिए। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जब भी कोई परेशानी हो आप अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही जो है वाहन चलाते समय या अपने अधिकारी के साथ अपने आचरण से उसको तकलीफ ना दो, आप कोई गलती ना करो तो आपका कोई कुछ जो है वो बिगाड़ने वाला नहीं है। और इसी प्रकार संगठन के साथ में एक सूत्र में बंद करके अपने कार्यों को करते रहें, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती रहेगी और आज नहीं तो कल पूरे प्रदेश में वाहन चालकों का डंका बजेगा निश्चित रूप से। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, आज निर्वाचन भी हुआ है, आपको नया प्रतिनिधित्व मिला है। मैं भाई तितुस मिंच जी को बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूँ, प्रांतीय शाखा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपनी बात को समाप्त करते हुए अब नए जिला अध्यक्ष का जो है वो स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद आपको जय वाहन चालक बोलिए एक बार, छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक संघ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक संघ जिंदाबाद।